मार्केट में चल रहे तेजी के दौर में आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने की होड़ मची हुई है। लंबे वक्त से अपने पब्लिक इशू लाने के इंतजार में बैठी कंपनियां अब इस काम में देरी नहीं करना चाहती हैं और बाजार में बने बुलिश सेंटिमेंट को भुनाते हुए पैसे जुटा लेना चाहती हैं। इसी कड़ी में एक और कंपनी का भी आईपीओ शुक्रवार से खुल गया है। इस कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन। जी हाँ, वही यात्रा जो ऑनलाइन फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और टूर पैकेज ऑफर करती है। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में काम करने वाली यात्रा ऑनलाइन अब अपना आईपीओ लेकर बाजार में आ गई है। तो इस वीडियो में हम आपको यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ 15 सितंबर यानी शुक्रवार से खुल गया है और ये बुधवार 20 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात की जाए तो कंपनी ने इसे ₹135 से ₹142 के बीच तय किया है, जबकि शेयरों की फेस वैल्यू ₹1 होगी। यात्रा अपने आईपीओ के जरिए 775 करोड़ रुपए जुटा रही है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने से एक दिन पहले यात्रा ने एंकर इन्वेस्टर से 348 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। अब बात करते हैं एक आम इन्वेस्टर को इसमें कितने पैसे लगाने होंगे। यात्रा आईपीओ में आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और एक लॉट में 105 शेयर हैं। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो आपको एक लॉट में 14,910 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। यात्रा के आईपीओ में 602 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 173 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% कोटा फिक्स किया गया है, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि QIB के लिए 75% कोटा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII के लिए 15% हिस्सा फिक्स किया गया है। कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का क्या करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। तो कंपनी ने कहा है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की फंडिंग में करेगी। इसके अलावा आम कारोबारी मकसदों के लिए भी ये पैसा खर्च किया जाएगा। ऑनलाइन टूर एंड ट्रैवल के धंधे में मौजूद एक और कंपनी है जो लिस्टेड है। इसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। इसके मुकाबले में देखा जाए तो इजी ट्रिप प्लानर्स का PE रेशियो 56.53 पर है। SBI कैपिटल मार्केट्स, डैम कैपिटल एडवाइजर्स और IIFL सिक्योरिटीज इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है। यात्रा आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 25 सितंबर को होगा, जबकि इसके शेयर BSE और NSE पर 29 सितंबर को लिस्ट होंगे। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। ये बात ब्रोकरेज हाउसेस की इस आईपीओ पर क्या राय है, इसे समझते हैं। ब्रोकरेज हाउस BP इक्विटीज के मुताबिक यात्रा ऑनलाइन एक ट्रैवल से जुड़ी हुई बड़ी रेंज में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराती है। कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के टूर से संबंधित सर्विसेज देती है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2028 तक बढ़कर 4,540 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। FY23 से FY28 तक इस इंडस्ट्री के 9-11% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने इसे सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का PE रेशियो 219 गुने पर है। आनंद राठी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनका मानना है कि इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल, ब्रांड रिकॉल और बिजनेस स्टेबिलिटी के चलते यात्रा के लिए कारोबार में सुधार की गुंजाइश है। इसे कंपनी के एबिटा मार्जिन में विस्तार होगा। यानी ब्रोकरेज हाउस यात्रा ऑनलाइन के इशू को लेकर बुलिश बने हुए है। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में आगे की संभावनाओं को देखते हुए ब्रोकरेज इस इशू को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन आपको किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जांच परख और अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशविरा जरूर करना चाहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।